नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में वीडियो को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबैक है कोई सजेशन है तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं ध्यान रखिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ एट फाइव सिक्स फोर फाइव जीरो नाइन टी नाइन जीरो जीरो एट नाइन सेवन फाइव टू टो फोर फाइव फाइव यही नंबर है हमारे सिर्फ जहाँ पे कॉल या वाट्सअप कर सकते हैं

वीडियो री एग्जाम सहित जितने भी यूपी के एग्जाम होने वाले हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ यूपी पी सी एस प्रिलिम्स आर ओ आर ओ बी ओ वीडियो री एग्जाम सहित हमारे कई पेड ग्रुप चल रहे हैं अगर आप इन पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो यह हमारे दिए गए नंबर है इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो आइए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं हम लोग पहला प्रश्न पद्म पुरस्कार दो के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के विजेताओं का कौन सा युग सही सुमिलित है पद्मश्री श्री सात पद्म, पद्म भूषण एक पद्म भूषण दो और कुल ग्यारह पद्म पुरस्कार इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 25 जनवरी 2023 को भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कार 2023 प्रदान किया है सबसे पहले हम लोग भारत के परिपेक्ष में जान लेते हैं पद्म पुरस्कार दो टोटल जो है एक सौ छः प्रदान किया गया है और जैसा कि हम लोग जानते हैं यह तीन श्रेणी विभाजित किया जाता है प्रदान किया जाता है जिनमें पहला आपका पद्म पद्म विभूषण हुआ आपका दूसरा आपका पद्म भूषण और तीसरा आपका पद्मश्री तो टोटल जो है 2023 में छः लोगों को पद्म विभूषण प्रदान किया गया है नौ लोगों को भूषण दिया गया है और इक्यानवे लोगों को जो है इक्यानवे जो है पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है और टोटल जो है एक सौ छः पद्म पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है अब बात कर लेते हैं यूपी की उत्तर प्रदेश के सात लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है जिनमें राधा चरण गुप्ता दिलसा हुसैन अरविंद कुमार मनोरंजन साहू ऋतविक सान्याल विश्वनाथ प्रताप तिवारी और उमाशंकर पांडे टोटल जो है उत्तर प्रदेश के सात लोगों को पद्मश्री प्रदान किया गया है पद्म भूषण जो पुरस्कार है वह एक लोगों को दिया गया है और यह जो पुरस्कार है यह समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह को मरणोपरांत दिया गया है मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म भूषण प्रदान किया गया है यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिए इन्होंने समाजवादी पार्टी जो स्थापना है वर्ष उन्नीस में की थी पार्टी की स्थापना जरूर नोट करते चलेगा क्योंकि ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को पद्म भूषण नहीं दिया गया है और यहाँ पर पद्म पुरस्कार की टोटल बात की जा रही है तो यह भी आपका गलत हो जाएगा टोटल जो है सात एक आठ व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किया गया है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए केवल एक और दो जो है सही सुमिलित है पद्म पुरस्कार 2023 में टोटल जो है तीन युगल पुरस्कार प्रदान किया गया था और सत्रह महिलाओं को सत्रह महिलाओं को जो है सत्रह नहीं सॉरी उन्नीस महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया था एक बार हम लोग इसका रिवीजन कर लेते हैं टोटल 106 जिनमें छः जिनमें छ पद्म विभूषण सात पद्म भूषण और इक्यानवे जो है पद्मश्री प्रदान किया गया है जिनमें तीन युगल थे और नौ महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है मुलायम सिंह यादव को जो है नागरिक मामलों के असाधारण और विशेष सेवा के लिए प्रदान किया गया है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है आप लोग जब भी वीडियो देखा करिए तो आप लोग कलम और कॉपी जरूर लेकर बैठा करिए जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उसको आप लोग नोट करते चलिएगा जिससे आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी परीक्षा से पूर्व हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में बना लखनऊ गोरखपुर बरेली या रायबरेली तो इसका जो सही आंसर है इसका जो ऑप्शन डी है रायबरेली हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर रायबरेली में स्टेडियम बना है पहली बार किसी महिला के नाम पर जो है स्टेडियम बना है और वह जो है रानी रामपाल के नाम पर बना है और यह वर्तमान में भारतीय हॉकी भारतीय महिला हॉकी की कप्तान है कप्तान है और यह जो है हरियाणा की है हरियाणा की है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथकर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश यह ओडिशा तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीदारों के लिए राज्य में पथ कर और पंजीकरण शुल्क में छूट की घोषणा की है और यह जो छूट मिलेगी यह 13 अक्टूबर 2025 तक यह छूट मिलेगी और यह सुविधा दोपहिया तिपहिया और चौपहिया जो है वाहनों के लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अमेजन द्वारा एक डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया है लखनऊ वाराणसी गाजियाबाद या कानपुर अमेजन द्वारा भारत का दूसरा डिजिटल केंद्र कानपुर में स्थापित किया गया है इससे पहले जो है पहला जो डिजिटल केंद्र स्थापित किया गया था भारत में अमेजन द्वारा वह सूरत में स्थापित किया गया था इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है सिडबी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के कितने जिले में स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है अट्ठारह बाईस पैंतीस या चालीस तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पैंतीस सिड़बी के सहयोग से उत्तर प्रदेश के पैंतीस जिले में स्वावलंबन केंद्रों का शुभारंभ किया गया है और यह जो है भारत सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त पहल है स्वावलंबन और इसके तहत जो है युवाओं को तकनीकी शिक्षा देकर उन्हें रोजगार से जो है जोड़ने का अवसर प्रदान किया जाता है इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है सीड का कई बार फुल फुलफार्म पूछा गया है सीडबी के जो फुल फुलफार्म होता है वह स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फुलफार्म होता है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक और इसका जो मुख्यालय है वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीडबी का मुख्यालय स्थित है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को किस श्रेणी में रखा गया है और यह जो रैंकिंग है यह दो में जारी की गई थी लीडर आकांक्षी लीडर्स लीडर्स शीर्ष प्रदर्शन करने वाला सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग को उद्योग एवं आंतरिक संवर्धन विभाग ने जारी किया है और 2022 में जो जारी की गई थी यह इसका तीसरा संस्करण जारी किया गया है और इसमें कुल पाँच श्रेणियाँ बनाई गई थी जिनमें आपका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले टॉप परफॉर्मेंस लीडर्स आकांक्षी लीडर्स और पाँचवा आपका उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम जिनमें उत्तर प्रदेश को लीडर्स की श्रेणी में रखा गया है लीडर्स की श्रेणी में उत्तराखंड है पंजाब है तमिलनाडु है आसम है ये सभी जो राज्य हैं वह लीडर्स की श्रेणी में रखे गए हैं इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है पाँच जुलाई दो को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने वन महोत्सव अभियान की शुरुआत कहाँ किए थे सीतापुर वाराणसी सहारनपुर या चित्रकूट तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन डी चित्रकूट में जो है पाँच जुलाई दो को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वन महोत्सव अभियान की शुरुआत किए थे और इन्होंने जो है इनके जो प्रयास है पहले दिन अर्थात 25 जुलाई को ही जो है 25 करोड़ पौधे जो है लगाए गए थे 25 करोड़ पौधे लगाए गए थे और यह जो अभियान है यह है चित्रकूट के महर्षि वाल्मीकि आश्रम के जो स्थित है सहरिन गांव वहां से शुरू हुआ था चित्रकूट के इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2022 हज़ार बाईस कहाँ आयोजित किया गया है लखनऊ वाराणसी गाजियाबाद या कानपुर तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आम महोत्सव 2022 आयोजित किया गया था और यह है चार दिवसीय कार्यक्रम था और यह उत, यह जो है लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आयोजित किया गया था आम महोत्सव दो को बुजुर्ग संतों पुरोहितों एवं पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किस राज्य सरकार ने किया है बिहार उत्तर प्रदेश केरल या मध्य प्रदेश तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश पुरोहित कल्याण बोर्ड का जो गठन है वह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पहला दूसरा तीसरा चौथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है पहले स्थान पर ओडिशा है दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश जो है वह तीसरे स्थान पर है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है अपैरल पार्क उत्तर प्रदेश के शहर में स्थापित किया जा रहा है गोरखपुर नोएडा संत नगर या प्रयागराज तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी नोएडा में स्थापित किया जा रहा है अपैरल पार्क और इसे जो है यमुना एक्सप्रेसवे के पास जो है बनाया जा रहा है और इसकी जो कुल लागत है वो तीन हज़ार करोड़ रुपये इसकी कुल लागत है और इसे वियतनाम की तर्ज पर बनाया जा रहा है और इसका जो कुल एरिया है वह टोटल अट्ठाईस हेक्टेयर में बनाया जा रहा है और इसके तहत हस्तकरघा और अपैरल उद्योग को जो है बढ़ावा मिलेगा और सरकार का कहना है इससे लगभग दो लाख लोगों को रोजगार भी मिलेगा यह नोएडा में बनाया जा रहा है तेरा एक्सप्रेसवे वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं तेरा एक्सप्रेसवे वाला देश का जो पहला राज्य बना है वो अपना उत्तर प्रदेश बना है यहाँ पर छः जो है चालू एक्सप्रेस वे हैं और सात आपके निर्माणाधीन हैं निर्माणाधीन हैं इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है पहला चौथा सातवां या दसवां इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को नीति आयोग ने नी जारी किया है नीति आयोग ने नी जारी किया है और इसे इसमें उत्तर प्रदेश को सातवां स्थान दिया है इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है और पिछली बार जो रैंकिंग जारी की गई थी उसमें उत्तर प्रदेश को नौवां स्थान प्रदान किया है इसे तीन श्रेणी विभाजित किया गया था पहला आपका जो प्रमुख राज्य थे उनमें कर्नाटक जो है पहला स्थान था दूसरे स्थान पर तेलंगाना था और तीसरे स्थान पर हरियाणा था और इसी में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया वह सातवां स्थान दिया गया था दूसरा जो दूसरी जो श्रेणी थी वह केंद्रशासित प्रदेश की के थी और तीसरी जो श्रेणी थी वो पहाड़ी राज्यों की थी तो इसमें जो है उत्तर प्रदेश को सातवां स्थान दिया गया है आए थे हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के जो लक्ष्य है यह निर्धारित किया गया है कब तक 2024 तक 2027 तक 2028 तक, तक या 2030 तक तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वह दो तक रखा है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है आएते हैं अगला प्रश्न लोग बुंदेलखंड में कितने प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा 25, 28, बीस या इक्तीस तो बुंदेलखंड के कुल इकतीस प्राचीन किलों को पर्यटन केंद्र के रूप में सरकार जो है विकसित करेगी और यह जो है ऐतिहासिक इन ऐतिहासिक धरोहरों को विकसित करने से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना किस सरकार ने शुरू किया है महाराष्ट्र राजस्थान उत्तर प्रदेश या तेलंगाना नगरी निकाय के कार्यों की समीक्षा के लिए जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना शुरू की है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है पाँचवा दूसरा चौथा या तीसरा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में चौथा टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया है और यह आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व है रानीपुर टाइगर रिजर्व है आप लोग कॉन्टॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं इसका उत्तर आप लोग कॉन्टॉक्स में बताइएगा और उत्तर तो प्रदेश टोटल जो है चार टाइगर रिजर्व हैं वर्तमान में इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थापित किया गया है प्रतापगढ़ बरेली रामपुर या उन्नाव भारत का पहला अमृत सरोवर जो स्थापित किया गया है वह उत्तर प्रदेश के रामपुर ज़िले में स्थापित किया गया है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह है रामपुर के एक पटवई पंचायत है वहाँ पर इसे स्थापित किया गया है एक डेटा भी हाल ही में आया है कि भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा अमृत सरोवर जो है बनाए गए हैं और उत्तर प्रदेश में लगभग आठ हज़ार से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए गए हैं और जो किसी भी राज्य में जो है सबसे ज़्यादा हैं यह तो आपके राज्यों की बात हुई अगर उत्तर प्रदेश बात की जाए तो सबसे अधिक अमृत सरोवर जो बनाए गए हैं वह लखीमपुर में बनाए गए हैं लखीमपुर जो है वह पहले स्थान पर है दूसरे स्थान पर गोरखपुर है और तीसरे स्थान पर आपका प्रतापगढ़ है यह सभी फैक्ट आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा क्योंकि उत्तर प्रदेश की जितनी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें धीरे धीरे जो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर है यूपी जी के है उसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती नज़र आ रही है आए हैं अगला प्रश्न हम लोग राष्ट्रीय जल पुरस्कार दो में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है दूसरे स्थान पर राजस्थान था और तीसरे स्थान पर आपका तमिलनाडु था तमिलनाडु था और राष्ट्रीय जल पुरस्कार जो 2022 में प्रदान किया गया है यह है तीसरा संस्करण था और इसमें जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर था संघई सहयोग संगठन एस शिखर सम्मेलन की बाईसवीं बैठक में भारत के शहर को वर्ष दो हज़ार के लिए पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में नामित किया गया है भोपाल जयपुर भुवनेश्वर या वाराणसी तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी वाराणसी को जो है यस की पहली बार सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में जो है नामित किया गया है और यस की बाईसवीं जो बैठक आयोजित की गई थी वह सोलह सितंबर दो को उज्बेकिस्तान किस्त समरकंद में आयोजित की गई थी समरकंद में आयोजित की गई थी बात कर लेते हैं हम लोग यस की यस की जो स्थापना वर्ष 2001 में इसकी स्थापना हुई है सी के आठ सदस्य देश हैं जिनमें आपका कजाकिस्तान चीन किर्गिस्तान रूस ताजकिस्तान उज्बेकिस्तान भारत और पाकिस्तान है भारत एस जो सदस्य है वो वर्ष 2017 में बना था भारत और पाकिस्तान जो है वो वर्ष 2017 में एस के सदस्य बने हैं सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसको आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि इसका जो नवा सदस्य ईरान जो है बनेगा संघाई सहयोग संगठन का जो नवा सदस्य बनेगा वह ईरान बनेगा इस साल इसको भी आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत छः लाख पैंसठ हज़ार नौ सौ सत्तर कामगारों का पंजीकरण करके उत्तर प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है दूसरा जो स्टेटमेंट है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में उत्तर प्रदेश को कुल तेरह पुरस्कार जो है प्राप्त हुए हैं राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात अन्य नगर निगम निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है चौथा और अंतिम जो स्टेटमेंट है अयोध्या एवं चित्रकूट में भजन संध्या स्थल और गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर यात्रा भवन का निर्माण का कार्य जो है किया गया है आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला जो स्टेटमेंट है वह सही है अभी हाल ही में डाटा जारी किया गया था उसके अनुसार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में जो है उत्तर प्रदेश को दूसरा स्थान दिया गया है और यह जो योजना है इस योजना के तहत श्रमिकों के साठ वर्ष पूरा होने के बाद उन्हें तीन हज़ार रुपये जो है पर मंथ जो है पेंशन के रूप में दिया जाता है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है स्वच्छ सर्वेक्षण दो में उत्तर प्रदेश को कुल तेरह पुरस्कार प्राप्त हुआ है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट आपकी परीक्षा के उपयोगी है दस लाख से अधिक आबादी में आबादी वाले जो शहरों की लिस्ट में जो है उत्तर प्रदेश में पहला जो स्थान प्राप्त किया है वो आपका गाजियाबाद है गाजियाबाद जो है दस लाख से ज़्यादा आबादी वाला जो है उत्तर प्रदेश का जो पहला स्वच्छ शहर है वो आपका गाजियाबाद है और यह पूरे भारत में बराह स्थान पर है इसने जो है लखनऊ को भी पीछे कर दिया है तीसरा जो स्टेटमेंट है वह भी सही है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के सात अन्य नगर निगम निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है यहाँ पर आप लोग फैक्ट नोट कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश में कुल सत्रह नगर निगम है और जो केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी योजना चल रही है और वह भारत कुल टोटल सौ स्मार्ट सिटी जो चूज किए गए हैं उसमें उत्तर प्रदेश के कुल दस शहर हैं और उत्तर प्रदेश में कुल सत्रह नगर निगम है और उनसे जो बचे जो अन्य नगर निगम थे जो सात नगर निगम है उसे उत्तर प्रदेश स्वयं जो है राज्य स्मार्ट सिटी योजना के रूप में जो है इनको विकसित कर रही है और इनमें आपका मेरठ है गाजियाबाद है अयोध्या फिरोजाबाद मथुरा शाहजहाँपुर और गोरखपुर तो टोटल जो है सात नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी योजना के तहत जो है यूपी सरकार विकसित कर रही है तो इस प्रकार जो है तीसरा स्टेटमेंट भी सही है चौथा जो स्टेटमेंट यह भी सही है अयोध्या एवं चित्रकूट में जो है भजन संध्या स्थल स्थापित किया जा रहा है और गाजियाबाद में जो है कैलाश मानसरोवर का निर्माण किया गया है तो इसके जो है चारों जो स्टेटमेंट हैं वह सही है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्मार्ट सिटी जो योजना है वह वर्ष 2015 में शुरू की गई थी यह भी फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा आए हैं अगला प्रश्न लोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 में उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किया है एक दो तीन या चार जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत के दूसरे राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस के अवसर पर प्रत्येक पाँच सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है और इसी दिवस में जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया जाता है और 2022 में भी प्रदान किया गया है वह देश के कुल छियालीस शिक्षकों को प्रदान किया गया है और यह जो पुरस्कार है वह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किया है और इन छियालीसों में उत्तर प्रदेश के एकमात्र शिक्षक जो है शामिल किए गए थे और वह जो है देवरिया के खुर्शीद अहमद हैं देवरिया के खुर्शीद अहमद को जो है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है आए थे हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के भारत भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है सदानंद प्रसाद गुप्त डॉक्टर रामाना त्रिपाठी नरेश मिश्र या हृदय नारायण दीक्षित तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी दिल्ली के डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2021 के भारत भारती पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है और इसके तहत जो पुरस्कृत राशि है वह आठ लाख रुपये इन्हें प्रदान की गई है यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट और है हृदय नारायण दीक्षित इन्हें जो है साथ में अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी साहित्य सम्मान जो है वह हृदय नारायण दीक्षित को दिया गया है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 में उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश कौन बना है सिंगापुर वियतनाम जापान या रूस फरवरी 2022 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2022 जो है आयोजित की गई थी और इसमें जो है पहला भागीदार जो बना था वह यूपी का वह सिंगापुर बना था इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और यह जो इस जो इन्वेस्टर समिट हुई थी इसके प्रभाव से जो उत्तर प्रदेश अपनी अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है उसमें यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाएगा इसका जो ऑप्शन ए, ए है वह सही है सिंगापुर जो है उत्तर प्रदेश का पहला भागीदार देश बना है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश के किस जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं की 400 मीटर दौड़ में कांस पदक जीता आपको बताना है यह किस जिले की हैं बस्ती मेरठ गोरखपुर या आगरा वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर ट्वेंटी चैंपियनशिप जो आयोजित की गई थी यह कोलंबिया में आयोजित की गई थी और इसी में उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की रूपल चौधरी ने महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में कांस पदक जीता है तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और इन्होंने जो 400 मीटर की दौड़ पूरी की थी वह इक्यावन दशमलव आठ पाँच सेकेंड में इन्होंने यह रेस पूरी की थी और इसी कारण इन्होंने कांस पदक जीता है देश की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू होगी प्रयागराज बरेली कानपुर या लखनऊ देश की पहली नाइट सफारी यह सिंगापुर के तर्ज पर बनाया जा रहा और यह लखनऊ के एक कुकरैल क्षेत्र है वहीं पर इसे स्थापित की जा रही है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है देश की पहली नाइट सफारी लखनऊ में स्थापित हो रही है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के गठन को उत्तर प्रदेश जो कैबिनेट है इन्होंने मंजूरी दी है आपको बताना है इसके अध्यक्ष कौन होंगे राज्यपाल मुख्यमंत्री वित्त मंत्री या विधानसभा अध्यक्ष तो इसका जो सही आंसर है उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म विकास बोर्ड के जो अध्यक्ष होंगे वह मुख्यमंत्री होंगे राज्य के मुख्यमंत्री होंगे और इसका जो मुख्यालय निर्धारित किया गया है वह लखनऊ में इसका मुख्यालय निर्धारित किया गया है और इसमें कुल जो है दस बोर्डों के दस बोर्ड होंगे जिनमें पर्यटन वन आयुष ग्रामीण विकास सिंचाई शहरी विकास कृषि बागवानी खेल और परिवहन टोटल जो है दस बोर्ड होंगे इसमें और इसके जो अध्यक्ष चुने जाएंगे वह मुख्यमंत्री होंगे इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है काशी विश्वनाथ के तर्ज पर ठाकुर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनेगा आपको बताना है यह जो मंदिर है यह किस जिले में स्थित है वाराणसी लखनऊ सहारनपुर या मथुरा ठाकुर बांके बिहारी मंदिर जो है यह मथुरा में स्थित है जिसे काशी विश्वनाथ की तर्ज पर इसका कॉरिडोर बनाया जाएगा और यह जो होगा यह कुल पाँच एकड़ में बनेगा तीन से चार मार्च दो तक दो दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया आगरा मुरादाबाद कुशीनगर या कन्नौज तीन से चार मार्च दो हज़ार तेईस तक दो दिवसीय मोटा अनाज महोत्सव जो आयोजन किया गया है वह उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में इसका आयोजन किया गया है और इसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने इसका आयोजन किया था और इसका जो उद्घाटन है वह विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस वी बघेल ने इसका उद्घाटन किया है आगरे में इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश का बाजरा के उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है पहला दूसरा तीसरा या चौथा अभी हाल ही में डाटा जारी हुआ है उसके अनुसार उत्तर प्रदेश पिछले साल में 50 लाख मीट्रिक टन का जो है बाजरा उत्पादन किया है और यह है देश के कुल उत्पादन का उन्नीस दशमलव छः नौ परसेंट है और इसके साथ ही जो है उत्तर प्रदेश बाजरे के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है आप लोग कॉन्टबॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है इसका उत्तर आप लोग कॉन्टबॉक्स में दीजिएगा और संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव को मंजूर करते हुए वर्ष दो को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष भी घोषित किया है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष जो है वो दो हजार तेईस को घोषित किया है संयुक्त तो राष्ट्र ने और इसके लिए भारत ने जो है अनुशंसा की थी जल शक्ति मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पानी के सैंपल की जांच में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पहला दूसरा तीसरा चौथा ग्रामीण क्षेत्रों की जो महिलाएँ हैं वह पानी का सैंपल इकट्ठा कर रहे होंगे आप लोग देख रहे होंगे और यह जो है जल शक्ति मंत्रालय के कार्यक्रम के तहत जो है इसे किया जा रहा है और इसमें जो है पानी के सैंपल की जांच में जो है उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वह पहला है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया ग्रेटर नोएडा लखनऊ गोरखपुर या वाराणसी 12 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है और इसका जो उद्घाटन है वह ग्रेटर नोएडा में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है इससे पहले भारत में जो है विश्व डेयरी सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वर्ष उन्नीस में आयोजित किया गया है अब दो की जो थीम रखी गई थी डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड इसकी थीम रखी गई थी और इसे ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया था इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पर्यटन थाना का उद्घाटन किया गया प्रतापगढ़ बरेली रामपुर या कुशीनगर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जो है पर्यटन थाना का उद्घाटन किया गया है और इसके साथ जो है अट्ठारह नए थाने जो है अट्ठारह नए थाने और बाईस नय नौ नई जो चौकियाँ हैं वह उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई हैं और पर्यटन थाना के उद्घाटन जो है उत्तर प्रदेश के पर्यटन में जो है काफ़ी इजाफा होगा और साथ में जो है अच्छी पुलिसिंग व्यवस्था भी होगी तो इसका जो ऑप्शन डी है वो वह सही है उत्तर प्रदेश के किस जिले के दिबियापुर में बीस मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू हो गया है आपको बताना है यह जो संयंत्र है यह किस में है? या या है यह जिले में है महोबा औरैया चित्रकूट या चंदौली दिबियापुर जो तैरते सोलर संयंत्र है यह आपके औरैया ज़िले में है जहाँ पर 20 मेगावाट के तैरते सोलर संयंत्र जो है बिजली उत्पादन शुरू हो गया है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है हाल ही में मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का निधन हुआ है आपको बताना है इनका जन्म कहाँ हुआ था उन्नाव कानपुर लखनऊ या हरदोई तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी कानपुर में इनका जन्म हुआ था राजू श्रीवास्तव का हाल ही में निधन हो गया है और इनका जो जन्म है वह कानपुर में हुआ था इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है देश का दूसरा नैनो खाद कहाँ स्थापित किया गया खाद जो संयंत्र है वह कहाँ स्थापित किया गया है प्रयागराज लखनऊ कानपुर या शाहजहांपुर देश का दूसरा नैनो खाद संयंत्र जो है यह है, प्रयागराज में स्थापित किया जा चुका है और इससे पहले जो पहला भारत का स्थापित किया गया था वह गुजरात के कालोल में स्थापित किया गया था और उसका 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 जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था और दूसरा जो है यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थापित किया गया है यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है और चार जो स्टेटमेंट स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश संदर्भ में दिया गया है उत्तर प्रदेश के तीन नए राज्य विश्वविद्यालयों राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय जो अलीगढ़ में स्थित है मां साकुंभरी देवी विश्वविद्यालय सहारनपुर एवं महाराजा सुहेल देवी विश्वविद्यालय आजमगढ़ में अध्यापन कार्य वर्तमान सत्र से संचालित किया जा रहा है यहां से आपकी परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कौन सा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है दूसरा जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान है चार टाइगर रिजर्व है छब्बीस वन्यजीव पक्षी विहार है तीन प्राण उद्यान है और एक लाइन सफारी जो है स्थापित है एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कुल पैंतालीस जनपद मेडिकल कॉलेज से स्थापित किए जा चुके हैं चौथा जो स्टेटमेंट है सत्र दो हज़ार बाईस तेईस हित उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना क्षेत्र पर अट्ठाईस दशमलव पाँच तीन लाख हेक्टेयर है और जो गन्ना उत्पादन है वह तेईस दशमलव चार आठ करोड़ टन अनुमानित किया गया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए पहला जो ऑप्शन है पहला जो स्टेटमेंट वह सही है राज्य में तीन नए विश्वविद्यालय स्थापित किया जा किए जा रहे हैं उनमें राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय यह अलीगढ़ में स्थित है दूसरा आपका माँ साकुम्भरी देवी विश्वविद्यालय यह सहारनपुर में है और महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आप आजमगढ़ में स्थित है यहाँ से आपके फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपकी परीक्षा में डायरेक्ट पूछ सकते हैं उत्तर प्रदेश में कुल एक राष्ट्रीय उद्यान है चार टाइगर रिजर्व हैं छब्बीस वन्यजीव पश्चिमी बिहार हैं तीन प्राण उद्यान है और एक आपका लायन सफारी है यह इंपॉर्टेंट फैक्ट को आपको एक जगह यहाँ पर लिखा गया है साथ में जो है एक जनपद एक मेडिकल कालेज जो योजना है यह यूपी सरकार ने शुरू की है और इसके तहत जो है पैंतालीस जनपद जो है मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा चुके हैं और चौथा जो फैक्ट है यह भी सही है वर्ष दो जो सत्र चल रहा था 2022-23 का इसमें उत्तर प्रदेश में कुल गन्ना जो क्षेत्रफल था वो आपका अट्ठाईस लाख हेक्टेयर था और जो कुल उत्पादन की बात की जाए तो कुल उत्पादन लगभग तेरह दशमलव चार आठ करोड़ टन जो है कुल अनुमान लगाया गया है गन्ने का तो यहाँ पर जो है चारों जो स्टेटमेंट है वह सभी सही है और यह चारों जो है आपकी परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आते हैं अगला प्रश्न लोग वर्ष दो में अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव में, में कितने दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए अयोध्या में पंद्रह लाख छिहत्तर हजार नौ सौ पचपन दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश संदर्भ में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है काशी हिंदू विश्वविद्यालय परिषद में वेद विज्ञान केंद्र की के स्थापना की जा रही है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित किया गया है वित्तीय वर्ष दो हज़ार में पैंतीस करोड़ वृक्षारोपण का कार्य कराया गया चौथा जो स्टेटमेंट है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर को नल से जल की आपूर्ति हेतु वर्ष 2024 तक प्रदेश के समस्त दो दशमलव दो छः करोड़ घरों में गृह नल संयोजन प्रदान कर शुद्ध एवं सतत पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए वेद विज्ञान केंद्र जो स्थापना है वह बी में की जा रही है तो यह पहला स्टेटमेंट यह सही है महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विद्यालय जो है यह गोरखपुर में स्थापित किया जा रहा है यह भी स्टेटमेंट सही है और वित्तीय वर्ष दो हज़ार में प्रदेश में कुल पैंतीस करोड़ वृक्षारोपण का जो कार्य है वह पूरा किया गया है इस तो यह इसका यह भी स्टेटमेंट आपका सही है और जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो है हर घर को नल से जल की जो आपूर्ति की जो लक्ष्य रखा गया है वह 2024 तक रखा गया है सभी जो घर हैं उसको शुद्ध और सतत पेयजल उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा गया है वह दो तक रखा गया है तो यह भी जो स्टेटमेंट है वह सही है तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है आए थे अगला प्रश्न लोग आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 से किस राज्य को सम्मानित किया गया है उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार या तेलंगाना तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश को जो है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार दो से सम्मानित तो किया गया है देश में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए जो है दिल्ली में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है उत्तर प्रदेश को इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और इसके लिए जो है आरोग्य मंथन कार्यक्रम आयोजित किया गया था दिल्ली में आरोग्य मंथन कार्यक्रम में इसे प्रदान किया गया है आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 यूपी को इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सात जिलों से होकर गुजरेगा आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमें कोई नहीं इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो कुल लंबाई है वो दो सौ छियानवे किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दूसरा स्टेटमेंट सही है बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से कुल जो है कुल सात जिलों से ऊपर गुजरेगा इसमें इटावा औरैया इटावा औरैया जालौन हमीरपुर महोबा बांदा और चित्रकूट तो टोटल जो है सात जिलों से गुजरेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे और इसकी जो कुल लंबाई हुआ दो सौ किलोमीटर कुल लंबाई है तो इसका जो है केवल दूसरा जो स्टेटमेंट है वो सही है तो योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कौन से शहर चुने गए हैं गोरखपुर लखनऊ मथुरा या वाराणसी इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए विरासत शहर विकास और विस्तार योजना जिसे हम लोग हृदय के नाम जानते हैं इस योजना को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था और इसमें जो है देश के टोटल 12 शहरों को चुना गया था जिनमें आपका अजमेर अमृतसर अमरावती बादामी द्वारका गया कांचीपुरम मथुरा पुरी, वाराणसी वारंगल और वेलंगनी जो है चुने गए थे इस प्रकार जो है उत्तर प्रदेश के दो शहर चुने गए हैं हृदय योजना के तहत तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है आए थे हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश के कितने शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नोड बन रहा है चार पाँच छः या सात तो उत्तर प्रदेश के कुल छः शहरों में जो है डिफेंस कॉरिडोर नोड बन रहा है जिनमें अलीगढ़ आगरा कानपुर चित्रकूट झांसी और लखनऊ है यहाँ पर मैप प्रदर्शित किया गया है आप इसे आसानी समझ सकते हैं अलीगढ़ आगरा लखनऊ कानपुर झांसी और चित्रकूट टोटल जो है छः शहरों में डिफेंस कॉरिडोर नोड बनाया जा रहा है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है उत्तर प्रदेश के किस मंडल में नंदी आभयरण की स्थापना की जा रही है लखनऊ अलीगढ़ झांसी या मुरादाबाद आवारा पशुओं की पशुओं की संख्या पशुओं की समस्या को जो है दूर करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले में मुरादाबाद मंडल में नंदी आभारण्य की स्थापना की जा रही है मुरादाबाद मंडल में कई ज़िले हैं उनमें से संभल जो ज़िला है अमरोहा है और आपका बिजनौर इन जिलों में जो है नंदी अभ्यारण्य स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जो कुल अठारह मंडल हैं आप लोग कौनबॉक्स बताइएगा कि मुरादाबाद में कुल कितने ज़िले हैं इसका उत्तर आप लोग कौनबॉक्स में बताइएगा मुरादाबाद में कई जिले हैं जिनमें संभल है अमरोहा और बिजनौर यह जो जिले हैं यह मुरादाबाद के अंतर्गत आते हैं आए थे हैं, अगला प्रश्न लोग अंतर्राष्ट्रीय में दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया ग्रेटर नोएडा लखनऊ सिद्धार्थनगर या प्रयागराज तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए पाँच अक्टूबर से लेकर नौ अक्टूबर के मध्य जो है अंतर्राष्ट्रीय में दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसका जो आयोजन है वो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है बीस से ज़्यादा देशों के जो प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल हुए थे तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश में जैव विविधता पार्क कितने जिलों में स्थापित किया जा रहा है चार पाँच छः या सात तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश के कुल चार जिलों में जैव विविधता पार्क की जो है स्थापना की जा रही है इनमें आपका हापुड़ है बुलंदशहर है बदायूं है और आपका मिर्जापुर है मिर्जापुर टोटल जो है चार जिलों में जैव विविधता पार्क की स्थापना की जा रही है उत्तर प्रदेश के इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 हजार में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है इसमें कुल सैंतालीस महिलाओं ने विजय हासिल की और यह जो चुनाव है यह पांच चरणों में आयोजित किया गया था यूपी की अठारहवीं विधानसभाओं विधानसभा के तेईसवें अध्यक्ष सतीश महाना बने और इस विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने छः सीटें जीती थी आपको पहचानना है कौन सा जो विकल्प है वह सही है ऑप्शन आप, आप लोग सामने दिया गया है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल टोटल सैंतीस महिलाओं ने जो है विजय हासिल की थी उत्तर प्रदेश के साथ भारत के टोटल पाँच राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे दो में उनमें आपका गोवा था मणिपुर था पंजाब था उत्तराखंड था और उत्तर प्रदेश टोटल पाँच राज्यों में जो है विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे और उत्तर प्रदेश जो चुनाव आयोजित किया गया था वह पाँच चरणों में नहीं बल्कि सात चरणों में आयोजित किया गया था और यह जो है दस फरवरी से लेकर सात मार्च तक यह चुनाव आयोजित किया गया था सात चरणों में इसका जो तीसरा स्टेटमेंट बस सही है यूपी की जो अठारहवीं विधानसभा चुनाव हुआ था 2022 में इसके पश्चात जो विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे और वह सतीश महाना चुने गए थे और यह तेईसवें विधानसभा अध्यक्ष बने हैं इनकी जो विधानसभा जो सीट थी वह कानपुर के महाराजपुर की सीट थी सतीश महाना की जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के तेईसवें अध्यक्ष बने हैं तो यह भी जो स्टेटमेंट वह सही है जो चौथा स्टेटमेंट वह गलत है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव दो में राष्ट्रीय लोकदल पार्टी ने छः सीट नहीं बल्कि आठ सीट जीती थी तो इस प्रकार जो है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है तीसरा सही है इस प्रकार पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है वह यहाँ पर सही है यहाँ पर आप लोग बी वाला ऑप्शन में यहाँ पर एक और तीन कर लीजिए और ऑप्शन बी जो है इसे सही कर लीजिए पहला और तीसरा जो ऑप्शन है वह इस पहला जो तीसरा कथन जो है सही है यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव दो आयोजित किए गए थे यहाँ पर सभी पार्टियों के हम लोग कितनी कितनी सीटें जीती उनको हम लोग देख लेते हैं अपना दल ने टोटल बारह सीट जीती थी बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक सीट जीती थी सबसे बड़ी पार्टी जो उभर कर आई है वो बीजेपी जिसने टोटल 255 सीट जीती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ने टोटल दो सीट जीती हैं जनसत्ता लोकतांत्रिक ने जो टोटल दो सीट जीती थी निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल ने टोटल छः सीट जीती है राष्ट्रीय लोकदल ने टोटल आठ सीट जीती है और वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका निभा रही है वो आपकी समाजवादी पार्टी है और इसके जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव यह वर्तमान में विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता हैं और सुहेलदेव भारतीय समाजवादी पार्टी ने टोटल छः सीट जीती है तो इस प्रकार जो है जो भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे हम लोग इसमें कवर कर लिए हैं आइए देते हैं अगला प्रश्न लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल का समर्थन मूल्य कितना है गन्ने का जो है समर्थन मूल्य कितना है तीन सौ बीस रुपये प्रति क्विंटल तीन सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल तीन सौ चालीस रुपये प्रति क्विंटल या तीन सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल तो वर्तमान में जो है गन्ने का जो समर्थन मूल्य है उत्तर प्रदेश में वह पच्चीस रुपये बढ़ाकर टोटल अब वर्तमान हो गया तीन सौ पचास रुपये प्रति क्विंटल पहले जो यह मूल्य होता था वह तीन सौ पच्चीस रुपये होता था लेकिन वर्तमान में यह पच्चीस रुपये बढ़ाकर तीन सौ पचास रुपये कर दिया गया है आए थे अगला प्रश्न लोग उत्तर भारत जीआई महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया लखनऊ प्रयागराज वाराणसी या गोरखपुर उत्तर भारत जीआई महोत्सव का जो आयोजन है वह है 16 से 21 अक्टूबर 2022 के मध्य वाराणसी के बड़ा लालपुर के दीनदयाल हस्तकला संकुल में इसका आयोजन किया गया है यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग तो नोट कर लीजिए अभी हाल ही में जो है लंगड़ा आम लंगड़ा आम जो वाराणसी का है इसे जीआई टैग दिया गया है साथ में जो आपका बनारसी पान है इसको भी जीआई टैग मिला है बनारसी पान और लंगड़ा आम जो है यह बनारस का जीआई टैग है और यहीं पर जो है उत्तर भारत जी जीयाय, आई जीयाय महोत्सव का आयोजन किया गया है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है आए हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर तो प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व देश का कौन सा एलिफेंट रिजर्व है इकतीसवां तैंतीसवां पैंतीसवां या चौंतीसवां तो यह जो है देश का तैतीसवां एलिफेंट रिजर्व है तराई हाथी रिजर्व इसे केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है इसे अधिसूचित किया है और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व है और देश का तैंतीसवां इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है इंडिया फूड एक्सपो 2022 का आयोजन किस जिले में हुआ था प्रयागराज लखीमपुर खीरी लखनऊ या कानपुर तो यह है दो से चार नवंबर 2022 के मध्य उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन किया गया था और इसका जो उद्घाटन है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका उद्घाटन किया था इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है फ्रांस के सहयोग से उत्तर प्रदेश के ज़िले में सोलर पावर प्लांट जो है स्थापित किया गया है तो यह जो सोलर प्लांट स्थापित किया गया है यह मिर्ज़ापुर में स्थापित किया गया है यह मिर्ज़ापुर के दादर कला गाँव है वहाँ पर पचहत्तर मेगावाट का जो है सोलर पावर प्लांट स्थापित किया गया है फ्रांस के सहयोग से इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश कितने शहरों को आकांक्षी जिला कार्यक्रम में शामिल किया गया है पाँच नौ आठ या सात आकांक्षी जिला कार्यक्रम वर्ष 2018 शुरू किया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश के टोटल आठ जिलों को जो है शामिल किया गया है इन जिलों में सिद्धार्थनगर बहराइच बलरामपुर चित्रकूट चंदौली आपका श्रावस्ती है सोनभद्र है और फतेहपुर है तो टोटल जो है आठ जिलों को शामिल किया गया है आकांक्षी जिला कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के सबसे कम विकसित जिलों को जो है विकसित करने के उद्देश्य से यह आकांक्षी जिला कार्यक्रम शुरू किया गया है और अभी हाल ही में 2022 में जो है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है नीति आयोग ने रिपोर्ट जारी की है सबसे अच्छा आकांक्षी ज़िला की तो इसमें जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह हरिद्वार को दिया गया है हरिद्वार को जो है प्रथम स्थान प्रदान किया गया है और यह जो रैंकिंग जारी किया है यह नीति आयोग ने इसे जारी किया है और इसमें जो उत्तर प्रदेश के टोटल आठ शहर हैं और यह जो रैंकिंग जारी की गई थी टोटल एक शहरों की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें हरिद्वार जो है टॉप में रहा है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना कहाँ की गई थी ग्रेटर नोएडा लखनऊ वाराणसी या गोरखपुर तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी विदेशी रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए जो है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो स्थापना की गई है वह वाराणसी में की गई है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है आठ बारह नौ या दस आज जो डेट है यह छह अप्रैल डेट है और अब तक जो है उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थलों की जो संख्या है वह आपकी टोटल दस है और पूरे देश में पचहत्तर है अगला प्रश्न यहाँ पूछा था सबसे अधिक रामसर साइट किस किस राज्य में है तो आपके तमिलनाडु में है और तमिलनाडु कितना तो टोटल चौदह है और यूपी में दस है इसका जो आप तंडी है वह सही है उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का नामकरण किसके नाम पर किया गया है महात्मा गांधी राजेंद्र प्रसाद भीमराव अम्बेडकर दीनदयाल उपाध्याय तो उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो प्रयागराज में बनाया जा रहा है प्रयागराज में बनाया जा रहा है इसका जो नामकरण है वो भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर इसका नामकरण किया गया उत्तर प्रदेश संदर्भ में यहाँ पर चार स्टेटमेंट दिया गया है मनरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022 23 में प्रदेश में छब्बीस दशमलव दो नौ करोड़ से अधिक मानव दिवस सृजित कर प्रदेश द्वारा देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत शहरी पथ विक्रेताओं को ऋण वितरण में प्रदेश को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है अटल पेंशन योजना के अंतर्गत पचहत्तर लाख नामांकन के उत्कृष्ट प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है और चौथा जो स्टेटमेंट है वह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत चार दशमलव दो नौ करोड़ नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है यह भी हाल ही में डेटा जारी हुआ है डेटा इंपॉर्टेंट उतना नहीं है जितना उत्तर प्रदेश का स्थान इम्पोर्टेंट है तीन सभी में जो है उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है मनरेगा में भी उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है सबसे अधिक कार्य दिवस उत्तर प्रदेश ने दिया है साथ में जो है जो ऋणी बेचने वाले हैं शहरी पथ विक्रेताएँ विक्रेता होते हैं उनको जो है सरकार की तरफ से एक छोटा अमाउंट प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में भी सबसे अधिक जो ऋण दिया गया है उसमें उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज़्यादा दिया गया है और इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और अटल पेंशन योजना के तहत जो, जो है सबसे अधिक जो नामांकन किया है वो उत्तर प्रदेश ने किया है और इसमें भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो है चार सौ दो नौ नामांकन करके जो उत्तर प्रदेश ने इसमें भी प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो यह सभी जो चारों जो स्टेटमेंट है वह सभी सही हैं इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी फैक्ट है इसलिए यहाँ पर इकट्ठा यहाँ पर लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार को रोकने के लिए दस्तक अभियान कब शुरू किया पंद्रह जून दो हजार बाईस पंद्रह अगस्त दो हज़ार बाईस पंद्रह अप्रैल दो हज़ार बाईस या पंद्रह जुलाई दो हज़ार बाईस तो इसका जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी पंद्रह अप्रैल दो हज़ार बाईस को जो है दस तक अभियान लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा और यह है जल जनित और वेक्टर जनित बीमारियों के प्रसार प्रसार को रोकने के लिए किया गया था और यह है जो है दो हज़ार तेईस में हाल ही में जो है से, फिर से शुरू किया जाने वाला है तो यह लॉन्च कब किया गया है तीसरे जो है लॉन्च पंद्रह अप्रैल दो को शुरू किया गया है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है आए थे अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया प्रयागराज महाराजगंज गोरखपुर या शाहजहांपुर तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया है यह महाराजगंज जिले में स्थापित किया गया है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है सिल्क एक्सचेंज कहाँ स्थापित किया जा रहा है वाराणसी लखनऊ सिद्धार्थनगर या प्रयागराज रेशम कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सिल्क एक्सचेंज जो स्थापित किया जा रहा है यह वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है सिल्क एक्सचेंज जो है यह वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है उत्तर प्रदेश किस नाम से एक सामुदायिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया गया है रेडियो अमृत रेडियो जयघोष रेडियो विजय या रेडियो सुशासन लोक कलाओं व स्थानीय व्यंजनों को प्रमोट करने के लिए उत्तर प्रदेश के संस्कृत विभाग ने जो है रेडियो जय घोष स्टेशन जो है लॉन्च किया है तो इसका जो ऑप्शन बी है रेडियो जय घोष आएते हैं अगला प्रश्न लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के संदर्भ में यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है इसकी जो कुल लंबाई है वो तीस चालीस दशमलव आठ किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और यह आठ जिलों से होकर गुजरेगा आपको बताना है कौन सा कथन सही है केवल एक केवल दो दोनों या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वैसे ही है पूर्वांचल एक्सप्रेस की जो कुल लंबाई है वो तीन सौ चालीस दशमलव आठ किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है दूसरा जो स्टेटमेंट यह गलत है यह उत्तर प्रदेश टोटल जो है नौ जिलों से होकर गुजरेगा और यह जिले हैं यहाँ आपका लखनऊ है, है बाराबंकी अमेठी सुल्तानपुर अयोध्या अम्बेडकर नगर आजमगढ़ मऊ और आपका गाजीपुर टोटल जो है नौ ज़िलों से होकर जाएगा उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेस वे मिशन अमृत सरोवर के तहत उत्तर प्रदेश के जिलों में निर्मित सरोवरों के आधार पर जिलों के सही आरोही क्रम चुनना है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तीन ज़िले दिए गए हैं प्रतापगढ़ गोरखपुर और लखीमपुर आपको बताना है कि जो सरोवर बनाए गए हैं आरोही क्रम होता है जो छोटे से बड़े यह जो है आरोही क्रम है सबसे कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा और फिर जो है सबसे ज़्यादा इन तीनों जिलों को जो है आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है सबसे पहले हम लोग राज्यों की जान लेते हैं पूरे देश में जो है उत्तर प्रदेश में जो है मिशन अमृत सरोवर के तहत सबसे अधिक जो है सरोवर बनाए गए हैं और अभी हाल ही में आंकड़ा जारी किया गया था आठ हज़ार से ज़्यादा जो है उत्तर प्रदेश में सरोवर बनाए गए हैं दूसरा जो स्थान है वह आपका एम का है और तीसरे स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर है और यूपी अपना पहले स्थान पर यह बात हो गई राज्यों की यहाँ पर जिलों का जो आंकड़ा जारी किया गया था उसमें सबसे अधिक जो सरोवर बनाए गए हैं उबल लखीमपुर खीरी बनाए गए हैं यहाँ पर दो सरोवर बनाए गए थे गोरखपुर में टोटल दो और प्रतापगढ़ में जो है दो सरोवर बनाए गए थे तो यहाँ पर आरोही क्रम चुनना है तो आपको सबसे कम फिर उससे ज़्यादा और फिर इसके बाद आपका सबसे ज़्यादा करना होगा तो यहाँ पर जो है इसका जो पहला ऑप्शन है वह सही है आरोही जो क्रम होगा वह आपका प्रतापगढ़ गोरखपुर और अंत में आपका लखीमपुर खीरी होगा तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है यफ एस एस ए आई द्वारा उत्तर प्रदेश के चुने हुए ईट राइट स्टेशन अंदर में सही विकल्प का आपको चयन करना है यहाँ पे चार स्टेशन दिए गए हैं आपको बताना है कौन से स्टेशन जो है चुने गए हैं यफ एस एस ए आई द्वारा ईट राइट स्टेशन के रूप में लखनऊ जंक्शन प्रयागराज जंक्शन कानपुर जंक, कानपुर सेंट्रल या और आपका वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम लोग यफ एस एस ए आई के नाम जानते हैं इसने प्रयाग जंक्शन कानपुर सेंट्रल और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन का जो है सर्टिफिकेट दिया है इसमें जो है लखनऊ सम्मिलित नहीं है तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन जो है सम्मिलित है तो आपका प्रयागराज कानपुर और वाराणसी दो तीन और चार और दो तीन चार जो ऑप्शन आपका में दिया गया है जिसे यस आई ने जो है ईट राइट स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है आएते हैं अगला प्रश्न लोग यूपी परिवार कल्याण कार्ड में कुल कितने अंक होते हैं दस चौदह सोलह या बारह यूपी परिवार कल्याण कार्ड में जो है टोटल बारह अंक होते हैं तीस जो ऑप्शन डी है वह सही है भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा यात्रा किन स्टेशनों के मध्य चलाई गई है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए पाँच अप्रैल पाँच अप्रैल 2023 को लखनऊ और अमृतसर के मध्य जो है भार भारत गौरव पर्यटन ट्रेन गुरु कृपा जो है गुरु कृपा यात्रा ट्रेन चलाई गई है और यह लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है सिख धर्म के धार्मिक धार्मिक स्थलों के भ्रमण को बढ़ावा देने के लिए जो है यह ट्रेन चलाई गई है और यह जो ट्रेन है यह लखनऊ जालंधर कैंट लुधियाना चंडीगढ़ अम्बाला कुरुक्षेत्र दिल्ली सफदरजगंज इन सभी स्टेशनों पर जो है यात्रा कराएगी तो यह आपके लखनऊ और अमृतसर के मध्य चलाई गई है गुरु कृपा यात्रा ट्रेन तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021-22 में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है पहला तीसरा आठवां, दसवां। तो यह भी जो सूचकांक जारी किया गया है इसे भी भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जिसे हम लोग यस या एस ए आई जानते हैं इसने जो है इसे जारी किया है और यह इसका चौथा संस्करण है पहला जो संस्करण जारी किया गया था वह दो वर्ष में जो है इसका पहला संस्करण जारी किया गया था और इसकी जो है तीन कटगरियाँ बनाई गई थी सूचकांक में एक आपका बड़े राज्य था दूसरा छोटे राज्य और तीसरा आपका केंद्र शासित प्रदेश बड़े राज्यों में जो पहला स्थान पर प्रदान किया गया था वह तमिलनाडु को था और उत्तर प्रदेश बड़े राज्य में रहा है पहले स्थान पर आपका तमिलनाडु दूसरे स्थान पर गुजरात और तीसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र और इसी में जो है उत्तर प्रदेश जो स्थान दिया गया है वह आठवां स्थान जो है वह प्रदान किया गया है बड़े राज्यों में छोटे राज्यों में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वह गोवा को दूसरे स्थान आपका मणिपुर है तीसरे स्थान पर आपका सिक्किम है सिक्किम जो है वो तीसरे स्थान पर है छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेश में जो पहला स्थान प्रदान किया गया है वह जम्मू कश्मीर को प्रदान किया गया है जम्मू कश्मीर को पहला स्थान प्रदान किया गया है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो पहला स्थान प्रदान किया गया बड़े राज्यों में वह तमिलनाडु दूसरा स्थान गुजरात तीसरा स्थान आपका महाराष्ट्र है छोटे राज्यों में गोवा मणिपुर और सिक्किम जो है पहले दूसरे और तीसरे स्थान पर है और केंद्र शासित में जो प्रथम स्थान प्रदान किया गया है वो जम्मू कश्मीर को दिया गया है और यूपी का जो इसमें है वह आठवां स्थान है तो इसका जो ऑप्शन सी है वो वह सही है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन किसने किया है योगी आदित्यनाथ आनंदीबेन पटेल नरेंद्र मोदी या द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी तमिल संगम का उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर 2022 को किया है तो इसका जो ऑप्शन सी है वो वह सही है उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को कब लॉन्च किया है यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए सार्वजनिक शिकायतों और निगरानी करने के लिए जो है योजनाओं की और उसका निपटान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने संभव पोर्टल को लॉन्च किया है और इसे जो लॉन्च किया गया है वह अट्ठारह मई दो को तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चार शहर दिए गए हैं इसमें आपको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश का शहर है जहाँ से रामायण सर्किट योजना नहीं वह जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है अयोध्या श्रृंगेश्वरपुर चित्रकूट या वाराणसी रामायण सर्किट योजना जो है यह भगवान राम से संबंधित जो स्थल है उसका भ्रमण कराती है और इसमें टोटल उत्तर प्रदेश के अयोध्या श्रृंगेश्वरपुर और श्रृंगेश्वरपुर जो है यह प्रयागराज में है और चित्रकूट जो है इसमें सम्मिलित है वाराणसी जो इसमें सम्मिलित नहीं है तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी वाराणसी जो है रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है इसमें अयोध्या सिंग्वेश्वरपुर और चित्रकूट जो है इसका हिस्सा है इसके अलावा देश में आपका अयोध्या सीतामढ़ी जनकपुर जनकपुर बक्सर काशी प्रयागराज चित्रकूट नासिक हम्पी रामेश्वरम कांचीपुरम भद्रचलम तो ये सभी जो स्थल है वह रामायण सर्किट योजना का हिस्सा है यहाँ पर एक आपका जनकपुर है और जनकपुर आपका नेपाल में है यूपी टी प्लस सी में यही प्रश्न पूछा गया था कि रामायण सर्किट योजना से कौन सा देश संबंधित है प्रश्न आपकी परीक्षा में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है तो यह सब फैक्ट आप लोग नोट करते चलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका डी आते हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक ईज में कौन सी श्रेणी प्राप्त हुई है अचीवर्स की तेजी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए आकांक्षी राज्य का या इनमें से कोई नहीं उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने लॉजिस्टिक ईज का जो रैंकिंग जारी की है और इसमें जो उत्तर प्रदेश को स्थान दिया गया है वह अचीवर्स का स्थान दिया गया है लॉजिस्टिक ईज जो इंडेक्स जारी किया गया है यह इसमें तीन श्रेणियाँ बनाई गई हैं अचीवर्स की श्रेणी में उत्तर प्रदेश है साथ में हरियाणा है पंजाब है उत्तराखंड है हिमाचल है ये सभी जो है वह अचीवर्स की श्रेणी में और तेज़ी से बढ़ते हुए राज्यों में जो है उनमें आपका केरल है राजस्थान है और मध्य प्रदेश है और आकांक्षी राज्यों में आपका बिहार है झारखंड है और उसका जो है पड़ोसी छत्तीसगढ़ है ये सभी राज्य जो है वह आकांक्षी राज्य के अंतर्गत हैं अचीवर्स में आपका यूपी हरियाणा पंजाब उत्तराखंड और आपका हिमाचल प्रदेश है और तेजी से अचीवर्स की ओर बढ़ते हुए राज्यों में आपका केरल है राजस्थान है और मध्य प्रदेश है आकांक्षी राज्य में बिहार झारखंड और छत्तीसगढ़ है और यूपी को अचीवर्स की श्रेणी में रखा गया है आए हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यस एस ए आई के द्वारा फाइव स्टार रेटिंग में सम्मानित जेलें क... आपको पहचाननी है यहाँ पर चार जेलें दी गई है आगरा जेल बुलंदशहर जेल फरूखाबाद जेल लखनऊ जेल इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने उत्तर प्रदेश की दो जेलों को फाइव स्टार रेटिंग से जो है सम्मानित किया है और वह जो जेलें हैं वो आपकी बुलंदशहर जेल है और दूसरी आपका फरुखाबाद जेल है दो और तीन जो जेल है इसे एफ एस एस ए आई ने जो है फाइव स्टार रेटिंग दी है यहाँ के कैदियों को जो भोजन दिया जाता है वह काफ़ी अच्छा होता है इसीलिए यफ एस एस आई ने जो है इसे फाइव स्टार रेटिंग दिया है आते हैं अगला प्रश्न लोग हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में किस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया है बिंछिया बेटा कुरबा गोंड या थारू तो उत्तर प्रदेश के तेरह जिलों में पाई जाने वाली गौंड जनजाति को केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति की सूची में शामिल कर लिया है तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और इसकी कुल पाँच उपजातियाँ हैं जिनमें आपका धुरिया नायक ओझा पथरी और राजकोण को जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया गया है अभी हाल ही में जो है पांच राज्यों की पंद्रह जातियों को अनुसूचित जाति की श्रेणी में जो है केंद्र सरकार ने जोड़ा है इनमें आपका यूपी की गोंड भी है तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है उत्तर भारत के पहले राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान कहाँ स्थापित किया गया प्रयागराज गाजियाबाद लखनऊ या कानपुर तो इसे जो है आयुष मंत्रालय ने गाजियाबाद के नेहरू नगर में स्थापित किया है और यह जो है 200 बेड का चिकित्सा संस्थान है राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान जिसे गाजियाबाद में स्थापित किया गया है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है इकतालीसवें हुनर हाट का आयोजन कहाँ किया गया था आगरा लखनऊ गोरखपुर या वाराणसी इकतालीसवें हुनर हाट का जो आयोजन है वह आगरे में किया गया था और यह जो है आगरे के शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया था आगरे के शिल्प ग्राम में इसका आयोजन किया गया था और यह टोटल जो है बारह दिनों तक चला था इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है आपको पहचानना है कौन सा कथन जो है सही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ गाजियाबाद और प्रयागराज में कूड़े से सी एन जी बनेगी दूसरा जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स का उद्घाटन किया केवल एक सही है दोनों सही है दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं सही है तो इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ गाजियाबाद और प्रयागराज में जो है कूड़े से सी बनेगी दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में जो है यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर का जो है उद्घाटन किया था तो यह जो दोनों स्टेटमेंट है आपका सही है इसका जो ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है वो सही है यहाँ पर चार प्रोडक्ट दिए गए हैं आपको बताना है उत्तर प्रदेश सॉरी यहाँ पर जो है आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश किन किन के उत्पादन में पहले स्थान पर है दूध आलू गन्ना कुल खाद्यान्न और गेहूँ इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया है उत्तर प्रदेश जो है वह गेहूँ के उत्पादन में पहले स्थान पर है कुल खाद्यान्न को उत्पादन सबसे पहले स्थान पर है गन्ना के उत्पादन में पहले स्थान पर है आलू के उत्पादन में पहले स्थान पर लेकिन दूध के उत्पादन में जो है अब उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर नहीं है अब राजस्थान आ गया है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा है और यह परीक्षा में पूछे जाने की अधिकतम संभावना है तो दूध के उत्पादन में जो है सबसे डी जो उत्पादन होता है अब जो है वह राजस्थान में होता है अब उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर नहीं रह गया तो यहाँ पर जो है इसका जो सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा इसके लिए दो तीन चार पाँच जो ऑप्शन ए में दिया गया है बाकी आपका आलू गन्ना कुल खाद्यान्न और गेहूँ के उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर है आते हैं अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश में कितने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है चालू हैं वर्तमान में दो चार तीन या पाँच वर्तमान में जो है उत्तर प्रदेश में कुल तीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वह चालू हैं जिनमें आपका वाराणसी वाराणसी एयरपोर्ट है दूसरा आपका लखनऊ वाला है चौधरी चरण सिंह तीसरा आपका कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है टोटल जो है तीन एयरपोर्ट यूपी में है जो संचालित हो रहे हैं दो जो है वो अभी बन रहा है जिनमें आपका नोएडा वाला जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है और दूसरा आपका अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो अभी वो चालू नहीं है तो वर्तमान में जो चालू है वो आपका तीन एयरपोर्ट है एक आपका बनार बनारस में है दूसरा आपका लखनऊ में और तीसरा आपका कुशीनगर में है इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है कौन सही सुमिलित नहीं है एक तरफ सुपर कंप्यूटर है दूसरी तरफ कहाँ पर स्थापित किया गया है परम शिवाय आई आई परम संगणक आई कानपुर परम शक्ति आई आई खड़गपुर परम प्रवेग आई आई टी परम शिवाय जो सुपर कंप्यूटर है यह आई आई में स्थापित किया गया है परम संगणक जो सुपर कंप्यूटर है इसे आई कानपुर में स्थापित किया गया है परम शक्ति सुपर जो कंप्यूटर है इसे आई आई में परंतु परम प्रवेग जो सुपर कंप्यूटर है इसे आईआईटी रुड़की में नहीं बल्कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु में इसकी स्थापना की गई है इसे स्थापित किया गया है तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है परम प्रवेग जो है वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में से स्थापित किया गया है उत्तर प्रदेश के ज़िले के प्रसिद्ध रतौल आम को जी आई टैग दिया गया है लखनऊ प्रयागराज गोरखपुर या बागपत यह जो आम है यह बागपत का आम है रताउल आम जिसे जीआई टैग मिला है और यह जो आम का नाम रखा गया है यह रतावल गांव के नाम पर इसका नाम रखा गया है तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है जिसे भी जीआई टैग दिया जाता है उसकी जो वैलिडिटी होती है वह दस साल तक होती है और पहला जो जी टैग दिया गया था वह दार्जिलिंग चाय को दिया गया था तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है आप बताना है कौन सा जो कथन है वह सही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर जिले में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ दो हज़ार के द्वितीय चरण का उद्घाटन किया है केवल एक सही है दोनों सही है दूसरा सही है या इनमें से कोई नहीं सही है तीसरा जो पहला स्टेटमेंट वह सही है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है तो यह है जो स्टेटमेंट वह सही है दूसरा स्टेटमेंट वह गलत है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने सांसद खेल महाकुंभ दो हज़ार के द्वितीय चरण का जो उद्घाटन किया है उन्होंने बस्ती में किया है बस्ती में किया है पहला जो चरण आयोजित किया गया था वह दस से सोलह दिसंबर तक आयोजित किया गया था और दूसरा जो चरण है यह अट्ठारह से अट्ठाईस जनवरी 2023 तक इसका दूसरा चरण आयोजित किया गया है और इसका जो उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बस्ती में किया गया बस्ती में किया इन्होंने तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट जो पहला है वो आपका सही हो जाएगा तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इक्कीस बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र के इक्कीस विजेताओं के नाम पर किया गया है आपको बता आपको बताना है कि इसमें उत्तर प्रदेश कितने परमवीर चक्र विजेता जो है शामिल हैं तीन चार पाँच या छः नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती जो तेईस जनवरी को मनाई जाती है इसी दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के इक्कीस बड़े द्वीपों को जो नामकरण है वह भारत के इक्कीस परम विजेताओं के नाम पर रखा गया है और इन परम विजेताओं में जो है उत्तर प्रदेश के कुल चार परम विजेता जो है इसमें शामिल हैं और यह आपके वीर अब्दुल हमीद वीर अब्दुल हमीद हैं दूसरे आपके जदुनाथ सिंह जदुनाथ सिंह तीसरे लेफ्टिनेंट मनोज पांडे और चौथे आपके कैप्टन योगेंद्र यादव इन चार परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम द्वीपों का जो है नामकरण किया गया है अब्दुल हमीद का जो जन्म है वह गाजीपुर में हुआ है जगुनाथ सिंह का जगुनाथ सिंह का जो जन्म है वह शाहजहांपुर में हुआ है मनोज पांडे का जो जन्म है वह सीतापुर में हुआ है और योगेंद्र यादव का जो जन्म है वह बुलंदशहर में हुआ है इनके जिलों को भी आप लोग तो नोट करते चलेगा और एक फैक्ट और आप लोग याद कर लीजिए वर्ष 2018 में दो द्वीपों का जो नामकरण किया गया था एक आपका नील द्वीप था जिसका जो नाम बदलकर शहीद द्वीप किया गया शहीद द्वीप दूसरा आपका एक हैवलॉग द्वीप था और उसका जो नामकरण है वह सुषमा स्वराज जी के सम्मान में स्वराज द्वीप किया गया है स्वराज द्वीप किया गया है नील द्वीप का शहीद द्वीप और द्वीप का जो है स्वराज द्वीप किया गया है इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है आए थे अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करने वाले विभूतियों को सरकार उत्तर प्रदेश गौरव समान सम्मानित समान सम्मानित जो है करेगी इस योजना के तहत चार विभूतियों को क्रमशः कितनी राशि प्रदान की जाएगी पाँच आठ ग्यारह या एक लाख रुपये तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी ग्यारह लाख रुपये पुरस्कृत राशि दी जाएगी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान के तहत सपा सरकार ने इसी तरह की जो योजना है यश भारती शुरू की थी और उसी के तर, तर्ज पर जो है वर्तमान जो सरकार है वह उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना शुरू कर रही है और इसके तहत जो है चार विभूतियों को चुना जाएगा और इन विभूतियों को जो है पुरस्कार के रूप में ग्यारह लाख रुपये सरकार प्रदान करेगी और यह जो है उत्तर प्रदेश की संस्कृत मंत्रालय की यह पहल है और ये जो चार व्यक्ति चुने जाएंगे उनका जो क्षेत्र होगा वह वा गायन वादन नृत्य फिल्म मीडिया समाज सेवा कृषि खेल विज्ञान आदि से क्षेत्र जो है संबंधित रहेंगे उन्हीं को चुना जाएगा और उन्हीं के लिए जो है ग्यारह लाख रुपये उन्हें प्रदान की जाएगी उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान योजना के तहत तिहत्तरवाँ हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन किस जिले में किया गया लखनऊ वाराणसी गोरखपुर या प्रयागराज तिहत्तरवां हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आयोजन है यह है प्रयागराज में किया गया है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है और टोटल 111 साल के हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो समय गुजरा है उसमें सातवीं बार जो है प्रयागराज में इसका आयोजन किया गया है छठवीं बार जो किया गया था वह वर्ष उन्नीस सौ में किया गया था इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित कोट तीर्थ सरोवर की दीवाल से शिवलिंग गणेश भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी और कई देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियाँ मिली हैं बलरामपुर सिद्धार्थनगर बाँदा या कानपुर तो यह जो मूर्तियाँ मिली हैं यह है बाँा के कालिंजर किले में मूर्तियाँ मिली हैं तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और यह सभी जो मूर्तियाँ हैं वह नौवीं से दसवीं शताब्दी की यह सभी मूर्तियाँ हैं इन मूर्तियों में शिवलिंग है गणेश है भगवान विष्णु लक्ष्मी इन सभी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं यहाँ पर एक फैक्ट आप लोग नोट कर लीजिएगा प्रश्न आपकी परीक्षा में यह सीधे सरोवर पूछ सकता है कि कोट तीर्थ सरोवर जो है वह किस जिले में स्थित है क्योंकि यह चर्चा में रहा है और इसका जो सही आंसर होगा आपका बांदा हो जाएगा तो कोट तीर्थ सरोवर आपके बांदा में स्थित है इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है जो चीज़ें चर्चा में रहती हैं प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाने चांस अधिकतम रहता है उनसे देश का दूसरा फ्लोटिंग सी स्टेशन उत्तर प्रदेश के जिले में स्थापित किया जाएगा गोरखपुर लखनऊ वाराणसी और प्रयागराज तो इसे जो है आईआईटी की के विशेषज्ञ स्थापित कर रहे हैं वाराणसी में इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है यह है, दूसरा है जो वाराणसी के रविदास घाट पर स्थापित किया जा रहा है रविदास घाट पर बनेगा यह आपका दूसरा है पहला जो बना है वह भी बनारस में ही बना है और बनारस के खिड़किया जो है घाट है वहाँ पर पहला बना था पहला फ्लोटिंग सी स्टेशन और दूसरा भी आपका वाराणसी में ही बन रहा है रविदास घाट पर इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है आए थे अगला प्रश्न लोग पी मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल पी एम मित्र पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी चित्रकूट सीतापुर हरदोई या शाहजहाँपुर तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी पी एम मित्र जो पार्क बनाया जाएगा वह हरदोई बनाया जाएगा और इसकी जो घोषणा है वह 17 मार्च दो हज़ार तेईस को इसकी घोषणा गोछा, घोषणा की गई है और यह टोटल एक हज़ार एकड़ में बनाया जाएगा और इसकी जो कुल लागत आएगी वो बारह सौ करोड़ रुपये जो है इसकी कुल लागत आएगी और यहाँ पर जो है टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े सभी कार्य व सुविधाएँ जो है यहाँ पर उपलब्ध होंगी यह तो यूपी का पूछा जा रहा है यह आपके हरदोई में बनेगा और भारत का पहला जो मित्र पार्क बना है वह तमिलनाडु के विरुद्ध नगर में पड़ा विरधु नगर में पहला बना है पीएम मित्र पार्क और यह आपके तमिलनाडु में है यह भी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कंपनी कानपुर में कितने मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी 100 मेगावाट 500 मेगावाट 700 मेगावाट या 300 मेगावाट यह जो कंपनी है सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है यह है कानपुर में 700 मेगावाट क्षमता का सोलर प्लांट स्थापित करेगी और इसकी जो कुल लागत आएगी वो पैंतीस सौ करोड़ रुपए इसकी कुल लागत आएगी सात सौ मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए और इसे जो है कानपुर के घाटमपुर क्षेत्र में इसे स्थापित किया जाएगा इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है और सतलुज जल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है यह है एक नवरत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी सतलुज जल विद्युत वितरण है ऑनर कंपनी जो है यह वर्ष उन्नीस में प्रोग्राम शुरू किया गया था कंपनी को दर्जा देने का उन्नीस सौ सत्तानवे आए थे अगला प्रश्न लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एन सी की तर्ज पर एस राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है बिहार उत्तर प्रदेश ओड़ीसा या केरल तो एस बनाने का जो प्रस्ताव है वह अपनी उत्तर प्रदेश सरकार ने से पारित किया है तो इसका जो ऑप्शन भी है वह सही है इसमें जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी जो लखनऊ है इसके आसपास एरिया में जो है यह क्षेत्र बनाया जाएगा प्रश्न आपकी परीक्षा में कई बार पूछा है एनसीआर के बारे में एनसीआर में उत्तर प्रदेश कुल कितने जिले शामिल हैं तो टोटल जो है आठ जिले शामिल हैं इनमें आपका मेरठ गाजियाबाद गौतम बुद्ध नगर बुलंदशहर हापुड़ बागपत शामली और मुजफ्फरपुर सॉरी मुजफ्फरनगर टोटल जो है टोटल जो आपका आठ जिले जो है शामिल हैं उत्तर प्रदेश का एनसीआर में और जो एस सी की बात हो रही है इसमें अभी जो प्रस्ताव दिया गया है वो टोटल छः जिलों का दिया गया है और धीरे धीरे ये जिले जो है वो बढ़ते चले जाएंगे इसमें जो है राज्य की राजधानी लखनऊ के आसपास क्षेत्र यहाँ पर चुने गए हैं जिनमें आपका उन्नाव है सीतापुर है रायबरेली बाराबंकी कानपुर नगर कानपुर देहात टोटल अभी छः जिले का प्रस्ताव दिया गया है और धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है वर्ष दो के गणतंत्र दिवस सर्वश्रेष्ठ झांकी में उत्तर प्रदेश का कौन सा पुरस्कार मिला था पहला दूसरा तीसरा चौथा तो यह जो है तीसरा पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला था सर्वश्रेष्ठ झांकी में जो गण चौहत्तरवें गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदर्शित की गई थी पहला जो पुरस्कार मिला था वह उत्तराखंड को मिला था और यह जो है मानस खंड पर आधारित थी और दूसरे स्थान पर आपका महाराष्ट्र रहा है पहला आपका उत्तराखंड दूसरे महाराष्ट्र और तीसरे पर आपका यूपी रहा और यूपी की जो झांकी बनाई गई थी वह है अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश को तीसरा स्थान प्रदान किया गया था इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों की मेज़बानी कहाँ कहाँ की गई है कहाँ कहाँ भी होगी लखनऊ वाराणसी ग्रेटर नोएडा आगरा और कानपुर यहाँ पर चार शहर दिए गए हैं इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के जो मेज़बानी है वो भारत कर रहा है और पिछली बार जो जो मेज़बानी है वह इंडोनेशिया ने किया है इंडोनेशिया ने वर्ष दो हज़ार की मेज़बानी किया है और इंडिया में जो है कई कार्यक्रम होंगे इसके शिखर सम्मेलन के जिनमें उत्तर प्रदेश के चार शहर शामिल हैं जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन के कार्यक्रमों जिन में जिनमें आपका लखनऊ है वाराणसी है ग्रेटर नोएडा और आगरा है तो चार शहर हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन की मेज़बानी की जाएगी तो पहला दूसरा तीसरा और चौथा तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है इन शहरों में जो है जी ट्वेंटी शिखर सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और यह जो कार्यक्रम आयोजित होंगे ये कई महीने चलेंगे ये आपके फरवरी से लेकर आपके अगस्त माह तक ये बैठकें आयोजित की जाएंगी तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश में एम एस एम ई नीति दो हजार बाईस कितने वर्षों के लिए लागू होगी एक दो पाँच या दस उत्तर प्रदेश में एम एस एम ई नीति दो हजार बाईस जो है यह पाँच वर्षों के लिए लागू की जाएगी और यह जो है नीति जो लागू होगी वह सितंबर 2027 तक चलेगी इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार दो से सम्मानित किया गया है एक दो पाँच या तीन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो 8 मार्च को मनाया जाता है इसी दिन नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है और इसमें पूरे देश की चौदह महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है और इन महिलाओं में एक महिला जो है वह उत्तर प्रदेश की थी जिनका नाम नीरजा माधव जी है नीरजा माधव जी हैं और यह जो है वाराणसी के रहने वाले हैं इन्हें जो है नारी शक्ति पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है देश की कुल चौदह महिलाओं को दिया गया है और आठ मार्च को दिया गया है और इसमें उत्तर प्रदेश की एक महिला नीरजा माधव जी हैं आएते हैं अगला प्रश्न लोग वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता कौन है ओ पी शुक्ल अजय कुमार मिश्र राघवेंद्र सिंह या मनीष तिवारी तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अजय कुमार मिश्र जो है वो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के महाधिवक्ता है और महाधिवक्ता का जो वर्णन है संविधान में इनके पद का वह आपके आर्टिकल एक में इनके पद का वर्णन किया गया है राज्य का यह जो है विधि अधिकारी होता है और इसके इसको इसे जो है राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और वर्तमान में जो है अजय कुमार मिश्र को जो शपथ है वह आनंदीबेन पटेल जी ने इनको शपथ दिलाई है और यह जो है उत्तर प्रदेश के वर्तमान में महाधिवक्ता है इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में उत्तर प्रदेश के ज़िले की निवासी अन्नू रानी ने काँस पदक जीता आगरा बांदा गोरखपुर या मेरठ तीनों ने जो है जेवलिन थ्रो में कांस्य पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में और यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के सरधना क्षेत्र की रहने वाले हैं तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है अनु रानी जो है यह कांस कांसपद जीता है और इन्होंने जेवलिन थ्रो में जीता हो रही है और यह मेरठ की रहने वाली हैं तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए प्रितिंकर दिवाकर जो है वो वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है और इन्हें भी जो है शपथ आनंदीबेन पटेल जी ने ही दिलाई है प्रीतिंकर दिवाकर जी को जो जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है लखपति महिला कार्यक्रम पहले चरण में कितने जिलों में शुरुआत की जाएगी बारह तेरह ग्यारह या चौदह लखपति महिला कार्यक्रम यह राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है और यह कार्यक्रम शुरुआती में टोटल ग्यारह जिलों में जो है इसकी शुरुआत की जाएगी इन जिलों में आपका वाराणसी प्रयागराज अलीगढ़ सुल्तानपुर बहराइच बांदा बस्ती लखीमपुर खीरी मिर्ज़ापुर हमीरपुर और सोनभद्र टोटल जो है ग्यारह जिलों में यह योजना जो है शुरुआती रूप से शुरू की जाएगी तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है वर्तमान में जी टैग के साथ पंजीकृत उत्तर प्रदेश के उत्पाद को सही से करना है एक तरफ क्षेत्र दिया गया है दूसरी तरफ उत्पाद दिए गए हैं इलाहाबाद मलिहाबाद महोबा सिद्धार्थ नगर सुरखा अमरूद दशहरीआम काला नमक चावल देसावर पान इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए सुरखा अमरूद जो है यह इलाहाबाद का है दशहरी आम यह मलिहाबाद का है महोबा का देसावर पान है और काला नमक चावल जो है यह सिद्धार्थ नगर है और काला नमक चावल जो है ये कई जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है यह उत्तर प्रदेश के ग्यारह जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है और साथ में जो है इससे जुड़ा हुआ नेपाल है वहाँ पर भी काला नमक चावल उत्पादित किया जाता है तो इसमें जो है सिद्धार्थनगर भी शामिल है तो इसका जो ऑप्शन सी है वह सही है आए थे हैं अगला प्रश्न लोग यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है केंद्र सरकार ने स्वदेश दर्शन योजना वर्ष दो हज़ार में शुरू की थी केवल एक सही है केवल दो सही दोनों सही या इनमें से कोई नहीं सही है इसका जो पहला स्टेटमेंट वह गलत है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र तथा स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही किया था बल्कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था रामनाथ कोविंद जी ने किया था संत कबीर नगर में इसका दूसरा स्टेटमेंट वह सही है केंद्र सरकार ने जो है स्वदेश दर्शन योजना है वो वर्ष दो चौदह पंद्रह में शुरू की गई थी और यह जो है एक पर्यटन मंत्रालय की एक योजना है तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है एस एस ए आई ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र प्रदान किए गए मंदिर हैं यहाँ पर पांच मंदिर दिए गए हैं एस्कॉन मंदिर प्रेम मंदिर हनुमान सेतु मंदिर गायत्री मंदिर देवी पाटन मंदिर आपको बताना है कि एफ एस एस आई ने ईट राइट कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र किन किन मंदिरों को दिया गया है इसके लिए चार ऑप्शन दिया गया आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए सबसे पहले हम लोग इसकी लोकेशन को देख लेते हैं एस्कॉन मंदिर और प्रेम मंदिर जो है यह दोनों मंदिर मथुरा में है हनुमान सेतु मंदिर यह लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने ही है यह आपका लखनऊ में है गायत्री मंदिर जो है यह लखनऊ में क्षेत्र है कुर्सी रोड यह भी आपका लखनऊ में ही है और देवी पाटन मंदिर जो है यह आपका बलरामपुर में है बलरामपुर में है तो भोग प्रमाण पत्र जो दिया गया है वैस्कान मंदिर प्रेम मंदिर हनुमान सेतु मंदिर गायत्री मंदिर और देवी पाटन मंदिर इन पांचों मंदिरों को दिया गया है ये एफ एस एस आई ने ई ट्राइव कार्यक्रम के तहत भोग प्रमाण पत्र इसके अलावा एक लखनऊ के आसियाना क्षेत्र हैं वहाँ के गुरुद्वारों को भी दिया गया है गुरुद्वारों को भी दिया गया है और गायत्री मंदिर यह भी आपका लखनऊ में ही स्थित है इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है आए थे हैं अगला प्रश्न लोग माला नदी के पुनरुद्धार के अभियान की शुरुआत किस ज़िले में हुई है बिजनौर कन्नौज बरेली या हरदोई। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए बिजनौर के डीएम उमेश मिश्रा हैं जिन्होंने माला नदी के पुनरुद्धार अभियान की जो है शुरुआत की है और उन्होंने यह शुरुआत जो है बिजनौर जिले में की है और इसी नदी किनारे माहर कर्णव ऋषि का भी आश्रम पड़ता है तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों में ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा बत्तीस चौंतीस पच्चीस और सत्ताईस तो उत्तर प्रदेश के कुल चौंतीस जिलों को ब्रांड एम्बेसडर जनपद के तौर पर जो है विकसित किया जा रहा राज्य है। राज्य हैं साथ में एक आपका पड़ोसी देश है नेपाल इसके सटे हुए जितने भी जिले हैं उन सभी ज़िलों को टूरिज्म टूरिज्म सांस्कृतिक और औद्योगिक क्षेत्र में जो है इनका विकास किया जाएगा और इन्हें एक ब्रांड अम्बेसडर जनपद के तौर पर जो है विकसित किया जाएगा और इनकी जो कुल संख्या आपकी है वो चौंतीस है तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है अठारह से बाईस फरवरी दो तक रामायण मेले का आयोजन कहाँ किया गया है अयोध्या वाराणसी आगरा या चित्रकूट यहाँ पे आप लोग प्रश्न का उत्तर देने में हो सकता है गलती हो सकती है क्योंकि रामायण मेले का जो आयोजन है वो दो जगह किया जाता है एक आपका अयोध्या है और दूसरा आपका चित्रकूट है तो यहाँ पर डेट वाइज पूछा जा रहा है 18 से 22 फरवरी 2023 तक यह जो डेट है इस डेट में चित्रकूट में इसका आयोजन किया गया है और दूसरा आपका रामायण मेला जो होता है एक आपका अयोध्या में होता है अयोध्या में जो आयोजन किया गया था वह 27 से 30 नवंबर 2022 तक इसका आयोजन किया गया था इसको हम लोग इतना फिर से समझ लेते हैं अयोध्या में जो इसका आयोजन किया गया था रामायण मेले का वह सत्ताईस से तीस नवंबर दो में किया गया था और यह इसका इकतालीसवां संस्करण आयोजित किया गया था रामायण मेले का और अट्ठारह से बाईस वार्स दो तक जो आयोजन किया गया है चित्रकूट में यह इसका पचासवाँ संस्करण आयोजित किया गया था पचासवाँ संस्करण आयोजित किया गया था और चित्रकूट में रामायण मेले का जो आयोजन प्रारंभ हुआ था वर्ष 1973 में आयोजन किया गया था और किसी भी चीज़ की पंद्रह वर्ष जो पूर्व होता है तो स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया जाता है तो वो इस वर्ष जो है स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया गया है चित्रकूट में तो अट्ठारह से बाईस फरवरी दो तक रामायण मिलिक जो आयोजन किया गया है वो चित्रकूट में किया गया है तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश के चार शहरों लखनऊ गोरखपुर वाराणसी और नोएडा में होगा दूसरा जो स्टेटमेंट है गोरखपुर के पनियाला को जीआई टैग दिया गया है केवल एक सही दोनों सही दो दूसरा सही या इनमें से कोई नहीं सही है पनियाला जो है यह आप लोग देख पा रहे होंगे यह एक फल है और इसे ही जो है जीआई टैग दिया गया है और यह आपका गोरखपुर का है तो इसकी जो दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है और पहला जो स्टेटमेंट है यह भी सही है नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन है और उत्तर प्रदेश के चार शहरों आपका लखनऊ है गोरखपुर वाराणसी और नोएडा इनमें इसका आयोजन किया जाएगा तो इसके दोनों स्टेटमेंट भी आपका सही है तेईसवा अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया प्रयागराज लखनऊ वाराणसी या गोरखपुर तो इसका जो आयोजन है वह लखनऊ जिले में किया गया है तेईसवां अंतर्राष्ट्रीय मुख्य न्यायाधीशों का जो सम्मेलन आयोजित किया गया है वह लखनऊ के सी में इसका आयोजन किया गया है और यह टोटल जो है पाँच दिनों तक चला है और इसमें पचास से ज़्यादा देशों के मुख्य न्यायाधीश शामिल हुए थे और वर्तमान में भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वह वा है डी वाई चंदचूड़ जी हैं और यह भारत के पचासवें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं तो इसका जो आयोजन है वह लखनऊ में इसका आयोजन किया गया है पी श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने विद्यालयों को सूची में शामिल किया गया है सत्रह सौ तिरपन बारह सौ पैंतीस पंद्रह सौ चालीस या उन्नीस सौ चौंसठ पी श्री योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कुल सत्रह सौ तिरपन स्कूलों को जो है शामिल किया गया है और इस योजना के तहत जो है स्कूलों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है दो दो करोड़ प्रत्येक स्कूल को दिया जाएगा और इसमें जो है उत्तर प्रदेश के कुल सत्रह कॉलेज को जो है जोड़ा गया है विद्यालयों को जोड़ा गया है तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है आपको इनमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है उत्तर प्रदेश पुरातत्व तो तो निदेशालय की एडॉप्ट हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में दस धरोहरों का चयन किया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल के निर्माण की घोषणा हुई है केवल एक सही है दोनों सही है दूसरा सही है इनमें कोई नहीं सही है तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है वह सही है उत्तर प्रदेश पुरातत्व तो निदेशालय की हेरिटेज योजना के दूसरे चरण में दस धरोहरों का चयन किया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट यह भी सही है सशस्त्र बलों के लिए लखनऊ में आधुनिक मल्टी स्पेशलिटी कमांड अस्पताल निर्माण की जो है घोषणा की है और इसकी जो घोषणा है वह रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और यह टोटल सात सौ अस्सी बेडों का यह हॉस्पिटल बनाया जाएगा और इसका जो कुल खर्च आएगा वो पाँच सौ करोड़ रुपए इसका कुल खर्च आएगा तो इसके दोनों स्टेटमेंट वो आपके सही हैं आते हैं अगला प्रश्न लोग यहाँ पर भी दो स्टेटमेंट दिया गया है और आपको सही कथन की पहचान करनी है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है दूसरा जो स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में यूपी खेत तालाब योजना को शुरू किया है केवल एक सही है दो सही है दोनों सही है इनमें से कोई नहीं सही है तो इसका जो सही आंसर इसका जो पहला स्टेटमेंट वह सही है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहले कौशल लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया गया है और इसका जो आयोजन है वह चार से पाँच मार्च दो के मध्य इसका आयोजन किया गया है और इसमें जो है युवाओं को रोजगार के अवसर जो है उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य था इसका दूसरा स्टेटमेंट यह भी सही है उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी खेत तालाब योजना को शुरू किया है और इसमें जो है दो फेज में यह योजना कार्य करेगी पहले फेज में जो है बुंदेलखंड के सात जिलों में टोटल दो हज़ार तालाब बनाने का सरकार का लक्ष्य है और सेकंड जो फेस होगा उसमें उसमें टोटल चौवालीस जिलों में तैंतीस सौ तालाब बनाए जाने का लक्ष्य सरकार ने रखी है यूपी खेत तालाब योजना के तहत तो यह दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। हैं आए थे अगला प्रश्न लोग उत्तर प्रदेश में मेडिकल डिवाइस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा मेडिकल डिवाइस पार्क का जो स्थापित होगा यूपी में वो आपका गौतम बुद्ध नगर में होगा तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है और यह गौतम बुद्ध के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में होगा और यह वर्ष 2024 तक शुरू होगा तो इसका जो ऑप्शन बी है वह सही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देशों दस देशों के वीज़ा सुविधा प्रदान करने वाले वी ग्लोबल वीज़ा एप्लीकेशन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है तो इन्होंने जो इसका उद्घाटन किया है वो आपके लखनऊ में किया है तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है वी एफ एस ग्लोबल वीजा अप्लीकेशन केंद्र का जो उद्घाटन है वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किए हैं हाल ही में किस जिले का नाम परिवर्तित करके वशिष्ठ नगर किए जाने का निर्णय लिया, तो लिया गया है गोंडा बलिया बलरामपुर या बस्ती तो यह जो निर्णय लिया गया है वो बस्ती का नाम बदलकर वशिष्ठ नगर किए जाने का निर्णय लिया गया है तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा लखनऊ अलीगढ़ झांसी या कानपुर तो यह जो है उत्तर प्रदेश के कानपुर में देश का पहला लेदर पार्क स्थापित होगा तो इसका जो ऑप्शन डी है वह सही है दस से बारह फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट दो हज़ार तेईस कहाँ आयोजित की गई है लखनऊ बलिया वाराणसी या गोरखपुर तो यह उत्तर प्रदेश की की राजधानी लखनऊ में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है दो हज़ार तेईस का आयोजन किया गया है दस से बारह फरवरी के मध्य तो इसका जो ऑप्शन ए है वह सही है तो इस तरह जो है हम लोग पूरे एक साल का उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर को कवर कर लिए हैं आशा है आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिला होगा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो को पूरा धन्यवाद जय हिंद जय जै भारत